हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेंट ब्रश इफेक्ट को, जो कि आपके प्रेजेंटेशन को काफी ऑसम लुक देता है। अगर आप भी इसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम न्यू पेज ले लेंगे। इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूंगी। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप अपने पेज को व्हाइट रखना चाहते हैं या कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या कोई थीम देना चाहते हैं। आपको जिस तरह से भी अपने पेज को सजाना है आप यहाँ सजा सकते हैं। यहाँ पर मैं डिजाइन से कोई थीम सेलेक्ट करना चाहती हूँ। यहाँ से हमने ये थीम सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर इसकी कलर पसंद नहीं है, तो यहाँ पर वेरियंट्स में जाकर आप जो भी कलर देना चाहे इसे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर्स पे जाना है। अब मुझे यहाँ पर ब्रश इफेक्ट देना है, तो मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड करके रखा है रोड्रेस, तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगी। यहाँ से मैं वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लूंगी। होम में जाएंगे और यहाँ से हम अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फॉन्ट आपको नीचे में दिख रहा है रोड्रेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें आई टाइप करना है, कैपिटल आई। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी साइज को इंक्रीज कर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रोड्रेस फॉन्ट हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पावर पॉइंट में पहले से नहीं रहती है, तो इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है रोड्रेस फॉन्ट, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये फॉन्ट देख रहे हैं। आपको सिंपल यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता दे रही हूँ। जब आप डाउनलोड करेंगे तो यह जिप फाइल में आएगा। यहाँ पर जैसे मैंने डाउनलोड किया है तो यह देखिए जिप फाइल में आया है। इसके बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर में आप रखना चाहते हैं वहां एक्सट्रैक्ट कर ले। यहाँ पर आप ई में रखना चाहते हैं, डी में रखना चाहते हैं, जहाँ भी रखना चाहते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये फोल्डर देखिए कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। जहाँ पर भी अगर आप ई में करेंगे, सी में करेंगे, एफ में करेंगे, उसके बाद आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये फॉन्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा आप फ्री पिक का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफी अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं पेंट ब्रश के। यहाँ पर आपको सर्च करना है पेंट ब्रश। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेंट ब्रश के स्टॉक मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इफेक्ट दे सकते हैं, बट आप उसे एज ए फॉन्ट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने इमेज में पेंट ब्रश का इफेक्ट दे सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंट ब्रश का कोई पीएनजी इमेज ले सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये फॉन्ट वाला काम नहीं करेगा। इससे आप बस इमेज को पेंट ब्रश का लुक दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए, आप जैसे भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ये हमारी फॉन्ट यहाँ पर आ गई है, बट अभी हम इसे एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको फ्री पिक और पीएनजी बताया था, तो उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, बट इसे ये फॉन्ट है तो इसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। लाइक हम इसकी साइज को बढ़ाना चाहें यहाँ से तो उसे बढ़ा नहीं सकते। तो पहले हमें इसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सेव्स में जाएंगे और यहाँ से सेव को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है, या तो आप अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कीजिए या आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सेंड टू बैक दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज शेप्स में जाएंगे और यहाँ से इसे इंटरसेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसे ऑब्जेक्ट का रूप दे दिया है। अब आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो चेंज कर ले। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करना है और हम इसे सजाते चलेंगे।
ये आपके ऊपर है, आप इसे कितनी खूबसूरत से सजा सकते हैं। जितनी बार भी आपको लेना है आप कंट्रोल वी पे क्लिक करेंगे। अब हमें इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, तो इसके लिए हम इसे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एडिटिंग ब्लॉक में भी सेलेक्ट का ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अब हमें इसे ग्रुप में करना है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना होगा। तो अब ये ग्रुप में हो गया है, अब हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई इमेज लगाना है, तो हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और फिर राइट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट सेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमें पिक्चर और टेक्सचर फिल्म पे जाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग आ रही है, तो यहाँ पर हम शेप आउटलाइन को सही कर लेंगे। इसके लिए आपको शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। इस पिक्चर का मैंने फिलहाल तुरंत यूज किया था, तो ये पिक्चर आ गई है। तो आपको अगर पिक्चर डालना है तो यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे और जहाँ पर भी आपकी इमेजेस है आप वहाँ से इमेज को ले लेंगे। मैं पहले इस इमेज को रखूंगी, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हम और भी स्लाइड्स बना लेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर ले। इस तरह से हमने पूरी स्लाइड में पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पर भी मैं रोडरेस का यूज करूंगी, इसे हम पूरी स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगाएंगे, इसके लिए हम ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं गैलरी को सेलेक्ट कर रही हूँ, इसे अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब हमने जो ब्रश इफेक्ट दिया है उस पर हम एनिमेशन लगाएंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रैंडम बार को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने इमेज में जो भी लगाना है, जो भी स्लाइड्स में एनिमेशन ट्रांजिशन लगाना है आप वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग रैंडम बार्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन लगा दिया है। अब अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑडियो का यूज करेंगे। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। ये आपको मीडिया ब्लॉक में मिलता है इंसर्ट टैब में, ऑडियो पे क्लिक कर लेंगे। ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करेंगे, जो भी ऑडियो आपके पीसी में है आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ऑडियो को सिलेक्ट करते ही प्लेबैक ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्टार्ट में हम इसे ऑटोमेटिकली कर देंगे और इसे प्ले अक्रॉस स्लाइड कर देंगे। यहाँ पर ये जो आइकन है हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसे हाइड ड्यूरिंग शो पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम इसकी स्लाइड शो करके देखते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया आपको ब्रश इफेक्ट कैसे यूज करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते, कितना खूबसूरत उसे बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।